501. So, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना फाइव जीरो फॉरक्टेड आइटम्स ठीक है तो so, बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है बहुत आसान स्टैंडर्ड uh, तो सबसे पहले ऐसे फाइव हंड्रेड का नाम बड़ा भाई है तो so, ऐसे 500 हंड्रेड क्या था जनरल स्टैंडर्ड था ऑर्डिट एविडेंस का और ऐसे फाइव जीरो वन क्या है दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिट एविडेंस

तो इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के बारे में एविडेंस कैसे लेना है उस बारे में ऐसे 501 हमें गाइड करता है अगर हम लिटिगेशन एंड क्लेम्स की बात करें तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स के रिस्पेक्ट में कंप्लीटनेस uh, के बारे में एविडेंस कैसे लेना है उस बारे में ऐसे 701 हमें वन हमें ऐसे 501 हमें गाइड करता है अगर हम सेगमेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के रिस्पेक्ट में अपने को एविडेंस कैसे लेना है उस बारे में ऐसे 501 अपने को गाइड करता है ठीक है अभी जो तीन स्पेसिफिक आइटम्स हैं इन्वेंट्री लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग इनके एप्लीकेबल एफआरएफ भी आपको पता होना चाहिए तो इन्वेंट्री का जो एप्लीकेबल एफ आर एफ होता है वो इंड एस टू होता है ए एस टू होता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स की बात करें तो एप्लीकेबल एफ आर एफ इज एएस ट्वेंटी नाइन एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एप्लीकेबल एफ आर एफ इज एएस सेवेंटीन एंड ये तीन एजोशन है जिसके बारे में क्या करना है ऑडिटर को एविडेंस लेना है और सबसे इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पे इन्वेंट्री तो अगर हम लोग इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री के के केस में एक तो होता है जनरल रिक्वायरमेंट एक होता है स्पेसिफिक कंसिडरेशन एक होता है जनरल रिक्वायरमेंट एक होता है स्पेसिफिक कंसिडरेशन सबसे पहले एक चीज अपने को समझना होगा कि अपने को इन्वेंट्री के एक्सिस्टेंस एंड कंडीशन के बारे में क्या करना है सर एविडेंस लेना है कि एक तो इन्वेंट्री एक्जिस्ट करता है कि नहीं और उसका कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं है उसके लिए हो सकता है कि मुझे एक्सपर्ट का ओपिनियन भी लेना पड़ जाए आई माइट हैव टू टेक द experts' ओपिनियन also, ठीक है अब एक चीज अपने को समझना होगा कि यार इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करना अब अगर मुझे क्या करना है सर एक्सिस्टेंस इंश्योर करना है तो मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का करना होगा लेकिन प्रैक्टिकली फिजिकल वेरिफिकेशन करना मेरा काम नहीं है मेरी टीम का काम नहीं है वो मैनेजमेंट का काम है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री तो मैं क्या करूंगा सर मैनेजमेंट जिस दिन फिजिकल वेरीफिकेशन करेगा ना मैं सिर्फ अपनी टीम को लेकर चला जाऊंगा मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन अच्छे तरीके

ठीक है ना तो दैट इज द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कंसिडरेशन इन्वेंट्री के केस में सर नॉर्मली एक चीज हमेशा याद रखना कि जो इन्वेंट्री काउंटिंग होता है मैनेजमेंट के द्वारा वो हमेशा बैलेंस शीट डेट में होता है ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बट ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग जो है कंडक्ट की जा रही है आदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है ना आदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नॉर्मली फिजिकल वेरिफिकेशन इज कंडक्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट बट समाइम्स इट इज कंडक्टेड ऑन अल्टरनेटिव डेट ऑल्सो फॉर एक्जाम्पल मान लीजिए सेवेंथ अप्रैल को कंडक्ट हुआ है अगर बैलेंस शीट डेट में कंडक्ट होता तो मेरे लिए कहानी सिंपल होता मैं जाता फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करता ऑब्जर्व करता एम्प्लॉज मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो रही है कि नहीं एंड फिजिकल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं और टेस्ट ट्रेकिंग बेसिस में खुद भी थोड़ा बहुत इन्वेंट्री काउंट करके देख लेता लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है सर ऑल्टरनेटिव डेट में फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है तो ऊपर लिखे गए प्रोसीजर्स तो मैं फॉलो करूंगा ही करूंगा मैं एडिशनली साथ में क्या करूंगा एडिशनली मेरा कंसर्न क्या रहेगा कि सर ये जो बीच के ट्रांजेक्शन है ये जो बीच का पीरियड है और जो बीच के ट्रांजेक्शन है उसका उसमें कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ रही है

एक सीनारियो होता है कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए मैं जा ही नहीं पाया अब मैं क्यों नहीं जा पाया सर उसके ना तीन कारण हो सकते हैं एक हो सकता है कि अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंस की वजह से मैं नहीं जा पाया मैं बीमार पड़ गया था कोई अर्थक्वेक आ गया था नेचुरल कैलामिटी कोई आ गई थी मैं नहीं जा पाया दूसरा रीजन होता है सर इम्प्रैक्टिकेबल है जाना फिजिबल ही नहीं है जाना पॉसिबल ही नहीं है मेरी जान को खतरा हो सकता है माइनिंग इंडस्ट्री का ऑडिट है और तीसरा सीनारियो ये है कि सर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के कस्टडी में है ठीक है तो अब इन तीनों सिचुएशंस में मेरे को कौन-कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं तो एक सिनेरियो होता है सर कि अनफोर्सन सरकमस्टैंसेस की वजह से मैं इन्वेंटरी काउंटिंग अटेंड नहीं कर पाया तो किसी कारणवश उस दिन नहीं जा पाया तो भाई किसी अगर उस दिन नहीं जा पाया, तो मैं क्या करूंगा क्योंकि ऑन द शेड्यूल डेट मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा था उस पाया तो ऑल्टरनेटिव डेट में खुद टीम को लेकर जाऊंगा और खुद सैंपल बेसिस में फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा लेकिन जो बीच के ट्रांजेक्शन होंगे ना जो बीच के ट्रांजेक्शन होंगे तो अगेन उन बीच के ट्रांजेक्शन क्या करने वाला हूँ इंटरविन ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने वाला हूं आई विल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द इंटरविनिंग वो जो हो रहा है आपने उसका आपने उसका अकाउंटिंग उसका रिकनसेशन प्रॉपरली किया है कि नहीं बुक्स के साथ फिगर मैच हो रही है कि नहीं कट ऑफ प्रोसीजर्स प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं एंड अपन डब्ल्यू आर ले लेंगे मैनेजमेंट से एक होता है सर कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल है जाना पॉसिबल ही नहीं है पता चला कि भाई जो अपना जो माल रखा हुआ है जो स्टॉक रखा हुआ है वो अफगानिस्तान में कहीं रखा हुआ है पता चला माइनों में रखा हुआ है माइंस का ऑडिट है जाने से मेरे जान को खतरा हो सकता है तो इन दैट सिचुएशन में क्या करूंगा सर अब यहां पे ऑल्टरनेटिव डेट भी पॉसिबल नहीं है अब यहां पे आईसीआर कहता है कि आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लीजिए और अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है तो फिर तो मेरे पास उपाय नहीं है आई विल मॉडिफाई द मोडिफाइडीनियन एक्सप्रेस लेकिन एक चीज अपने को ध्यान यहां पे रखना है कि ऐसे टू हंड्रेड कहता है

इम है आपके लिए पॉसिबल नहीं है आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स फॉलो कीजिए ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो सर रिपोर्ट को मॉडिफाई कीजिए आप जब फिजिकल अटेंडेंस और फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करोगे तो पर्टिकुलरली उसके लिए किन बातों का ध्यान रखोगे सर नेचर ऑफ इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री कितना मटेरियल है उसमें आर ओ एम एम कितना इन्वॉल्व है मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करा है कि नहीं करा है इन्वेंट्री का काउंटिंग मैनेजमेंट कब करने वाला है कौन से टाइम में करने वाला है किस लोकेशन में करने वाला है मेरे को एक्सपर्ट की नीड है कि नहीं ये सारी बातों का मैं ध्यान रखूंगा और एक होता है सर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के कस्टडी में है तो अगर इन्वेंट्री हमारे लिए मटेरियल है और थर्ड पार्टी के कस्टडी में है तो मैं थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लूंगा रिगार्डिंग द क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री एंड इफ पॉसिबल खुद जाकर क्या करूंगा सर इंस्पेक्शन करूंगा इफ पॉसिबल खुद जाकर क्या करूंगा सर इंस्पेक्शन करूंगा सेकेंड एरिया अब एज ए ऑडिटर मेरे को क्या करना है uh, मेरे को डिजाइन करना है परफॉर्म करने हैं ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ऑल द एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग विच में गिव राइट टू आर ओ एम एम अब अगर मैनेजमेंट के खिलाफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स पेंडिंग होगा तो आइडियली मैनेजमेंट को प्रोविजन बनाने होंगे या कॉन्टेजेंट लैबिलिटीज के प्रोविजन तैयार करने होंगे एज पर रेस ट्वेंटी नाइन पक्का 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 मैनेजमेंट ने किन हाउस लीगल काउंसिल हायर कर रखा होगा पक्का 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 मैनेजमेंट ने उन लिटिगेशन के बारे में बातचीत कर रखी होगी और जब लिटिगेशन के बारे में मैनेजमेंट को पता चला तो पक्का मैनेजमेंट ने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल किसी एक्सटर्नल एडवोकेट की टीम से भी कंसल्टेंसी ली होगी और उनके भी सर्विसेज अवेल करें होंगे तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द लिटिगेशन एंड क्लेम्स आई कैन डू द इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट आई कैन डू द इंक्वायरी इक्वायरी विद्लू जी आई कैन डू द इंक्वायरीज विद द इन हाउस लीगल काउंसिल अगर मैनेजमेंट टीसी डब्ल्यू जी के कुछ बात बीच में कुछ बातचीत हुई है या फिर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच कुछ बातचीत हुई है आई कैन इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंट्स

के अटेंडेंस में आई कैन टॉक विद द एक्सटर्नल काउंसिल और अगर मान लो मैनेजमेंट मना कर देता है लीगल काउंसिल से बातचीत नहीं करने देता है या लीगल काउंसिल मना कर देता है तो इन दैट सिचुएशन में क्या करूंगा सर फिर से ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा और अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर पाया रिपोर्ट को मॉडिफाई करूंगा सारे स्टैंडर्ड्स की सेम कहानी है इफ द गिवन प्रोसीजर ऑफ द स्टैंडर्ड कैनॉट बी फॉलोड परफॉर्म ए ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर एंड इफ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर ऑल्सो कैनॉट बी परफॉर्म्ड मॉडिफाई द ओपिनियन एस प्रोसेस सेवन जीरो

ठीक है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आपको लगता है सर कम टाइम के अंदर हमने बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड को रिवाइज करा है हमारे लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें